CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कहानी टोपी। एक दिन गौरैया ने अपने नर गौरैया से कहा, आदमी को देखते हो कैसे रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, कितना भपता है उन पर कपड़ा। तो नर गौरैया ने कहा, खाक भपता है, कपड़ा पहन लेने के बाद तो आदमी और बदसूरत लगने लगता है। तुम भी क्या बात करते हो, कपड़े केवल अच्छा लगने के लिए नहीं, मौसम की मार से बचने के लिए पहनता है आदमी। तू भी ना निरी बेवकूफ है, तू समझती नहीं, कपड़े पहनते ही पहनने वाले की औकात पता चल जाती है, आदमी आदमी की हैसियत में भेद पैदा हो जाता है। तुम कुछ भी कहो, लेकिन उस आदमी के सिर पर टोपी कितनी अच्छी लगती है, मेरा भी मन टोपी पहनने का करता है। अरे टोपी तू पाएगी कहाँ से, टोपी तो आदमियों का राजा पहनता है। लेकिन गौरैया थी जिद्दी और धुन की पक्की, ठान लिया सो ठान लिया। उसे दाना चुगते हुए रुई का एक फाहा मिला। अब तो मानो गौरैया मारे खुशी के चीखने लगी। मिल गया रे। अरे क्या मिल गया रे? मिल गया। टोपी का जुगाड़ मिल गया। बस अब देखते जाओ अब कैसे बनती है टोपी। गौरैया रुई का भाह लेकर बूढ़े दुनिया के पास पहुंचती है और बड़े मनोहार से बोलती है, दुनिया भैया इस रुई के पाए को धुन दो ना। बूढ़ा दुनिया चिढ़ते हुए कहता है, इस हार जमाने वाली सर्दी में तुम्हें रुई का पाहा धुनवाना है, बड़ी आई रुई का पाहा धुनवाने वाली, तू जाती है कि नहीं? अरे देखती नहीं, अभी मुझे राजा जी के लिए रजाई बनानी है। एक तो यहाँ का राजा ऐसा है जो चाम का दाम चलाता है, ऊपर से तू आ गई फोकट में रुई धुनवाने। गौरैया तुनक कर बोली, मैं फोकट में रुई धुनवाने थोड़ी ही आई हूँ, मेरे रुई के पाहे को धुन दो, आधा तुम ले लेना आधा मैं ले लूंगी। बूढ़ा दुनिया उसकी बात सुनकर झट तैयार हो गया। उसने बड़े मन से रुई थुनी और आधा गौरैया को देकर बोला, ये ले खुश रहे। गौरैया धुनी रुई को लेकर भागी भागी कोरी के यहाँ गई और बड़े विनती भरे स्वर में कहा, कोरी भैया इस धुनी रुई से सूत काट दो। कोरी राजा जी के अचकन के लिए सूत काट रहा था। वो गुस्से में गौरैया से बोला, देखती नहीं, अभी मुझे राजा जी की अचकन के लिए सूत काटना है, मुझे फुर्सत नहीं है मुफ्त में मल्लार गाने की। रे कोरी भैया, हम मुफ्त में मल्लार गाने नहीं आते, मैं तुम्हें माकूल मुआवजा दूंगी, इसे काट दो, आधा तुम ले लो आधा मैं ले लूंगी। कोरी सहज तैयार हो गया और उसने रुई के फाहे को लच्छेदार सूत में बदल दिया। गौरैया खुश होकर बुनकर के पास पहुंची और इठलाती हुई बोली, बुनकर भैया इस कटे सूत से कपड़ा बुन दो। बुनकर परेशान आवाज में बोलता है, हटती है कि नहीं यहाँ से, देखती नहीं, अभी मुझे राजा जी के लिए बागा बुनना है, चल यहाँ से जा। इतना कहकर बुनकर अपने काम में मशगूल हो गया। गौरैया ने पूरे साहस से कहा, इसे बुन दो भैया, आधा तुम ले लो आधा मैं ले लूंगी। बुनकर ने देखा कि सौदा बुरा नहीं है, वो झट से तैयार हो गया। उसने सूत का मुलायम कपड़ा बना दिया। गौरैया खुशी खुशी मुलायम कपड़ा लेकर
दर्जी के पास पहुंची और दर्जी से बोली, दर्जी भैया, इस मुलायम कपड़े से मेरी टोपी सिल दो। दर्जी गुस्साती आवाज में बोला, खिसकती हो कि नहीं यहाँ से? देखती नहीं, राजा जी की सातवीं रानी से 9 बेटियों के बाद 10वां बेटा पैदा हुआ है। अब उसके बेटे के लिए मुझे ढेरों झब्बे सिलने हैं। गौरैया तुनक कर बोली, मैं बेगार में कुछ नहीं करवाती। इस बुने कपड़े की टोपी सिल दो, बल्कि 2 टोपियां सिल दो। एक तुम ले लो, एक मैं ले लूंगी। दर्जी तुरंत तैयार हो गया और उसने 5 फुंदने जड़कर गौरैया की टोपी बना दी। गौरैया फुंदने वाली टोपी पहनकर फुदक फुदक कर 1.5 टांगों पर नाचने लगी। ये देखो देखो देखो, मेरी टोपी सबसे निराली, 5 फुंदने वाली। टोपी पहनकर वो उड़ते उड़ते राजा के महल के कंगूरे पर जा बैठी। उस वक्त राजा अपने नौकरों से तेल से मालिश करवा रहा था। उसे देखकर गौरैया कंगूरे पर से ही चिल्लाई, अरे रे 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 रे, मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं, राजा के सिर पर टोपी नहीं, अरे रे 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 रे। राजा ने गुस्से से अपनी टोपी मंगवाई। अपनी टोपी पहनकर राजा ने गौरैया को चढ़ाते हुए कहा, देख मेरे पास भी है टोपी। देख राजा, मेरी टोपी में 5 फुंदने, राजा की टोपी में 1 भी नहीं। मेरी टोपी में 5 फुंदने, राजा की टोपी में फुंदने नहीं। राजा ने गुस्से में आदेश दिया, सिपाहियों, इस गौरैया की टोपी छीन लो। जी हुजूर। सिपाही जब टोपी लेकर राजा के पास पहुंचा तो राजा ने 5 फुंदने वाली टोपी देखकर मन ही मन सोचा, इतनी खूबसूरत टोपी यहाँ किसने बनाई? मेरे राज्य में मेरे सिवा इतनी खूबसूरत टोपी दूसरे के पास कैसे पहुंची? राजा ने दर्जी, बुनकर, कोरी और धुनिया सबको अपने पास बुलाया और दहाड़ते हुए कहा, तुम चारों ने आज तक इतनी बढ़िया टोपी हमारे लिए क्यों नहीं बनाई? दुनिया डरते डरते बोला, अभय दान दें तो बोलूं सरकार। दिया, अब बताओ। महाराज, इस गौरैया ने जो भी काम करवाया ये उसमें से आधा हिस्सा देती थी। जिसके पास बहुत कुछ है वो कुछ भी नहीं देता। इसके पास कुछ भी नहीं था फिर भी ये आधा दे देती थी। इसीलिए इसके काम में अपने आप नफासत आती गई सरकार। दुनिया की बात सुनकर गौरैया राजा को चिढ़ाती आवाज में बोली, देख ले राजा, देख ले, आंख में उंगली डाल कर देख ले, इसके लिए पूरे मोल चुकाए हैं, बेकार की नहीं है ये। गौरैया फिर चिल्लाने लगी, अरे अरे अरे, ये राजा तो कंगाल है, निरा कंगाल, इसका धन घट गया लगता है, इसे टोपी तक नहीं जुटती, तभी तो इसने मेरी टोपी छीन ली। राजा लज्जित हो गया। उसने सोचा, ये गौरैया तो राज्य के खजाने की पोल खोल देगी, मेरी टोपी की कमसूरती चिल्ला चिल्ला कर बताएगी। ये सोचकर राजा घबरा गया। सिपाहियों, जी महाराज, इसकी टोपी वापस कर दो। जो आज्ञा।
सिपाहियों ने टोपी वापस कंगोरे की ओर हवा में उछाल दी। गौरैया ने फिर टोपी पहन ली और उड़ उड़ कर कहने लगी, अरे रे 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 रे, रे राजा, तू तो डरपोक है डरपोक, मुझसे तू डर गया, तभी तो तूने मेरी टोपी लौटा दी। राजा अपनी टोपी कसकर पकड़कर कांपती आवाज में बोला, वो कौन इस मुंह फट के मुंह लगे, क्यों मंत्री जी? ठीक कहते हैं महाराज। राजा डर गया। राजा डर गया। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 8 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत से संकलित हिंदी के सुप्रसिद्ध लेखक सृंजय की कहानी टोपी। विषय संयोजक प्रोफेसर संध्या सिंह, डॉक्टर नरेश कोहली और डॉक्टर नीलकंठ कुमार। आभार अजीत होरो। ध्वनियांकन बटी लैंगडिंगडो। कलाकार परवेज गौहर, शमाइला परवेज, सुनील लोहिया और कीमती आनंद। ध्वनि संपादन, निर्माण तथा निर्देशन विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।